हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। इस बार भाजपा 2022 में सरकार रिपीट कर इतिहास रचने की बात कर रही है। अपने मिशन रिपीट के सपने को लेकर सोलन में भाजपा द्वारा शिमला संसदीय क्षेत्र का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में मंथन किया जाएगा। सोलन में शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रशिक्षुओं के लिए लगाए गए इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में मंथन किया जा रहा है। साथ ही 4 नगर निगम चुनाव को किस तरह से जीता जाएगा उस बारे में भी विस्तृत चर्चा की जा रही है। पहले दिन भाजपा के इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, भाजपा के 87 पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि आगामी चुनाव में किस तरह से भाजपा एक बार फिर सत्ता में काबिज हो उस पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासन वाली पार्टी है और इसका एक एक कार्यकर्ता अनुशासित है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अनुशासित करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसके बाद 5 मार्च तक सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकें, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में, और हमारे कार्यकर्ता सदा ही ऊर्जा से संचारित हों, सदा ही अपने कार्यक्षेत्र में लगातार जो भी कार्य, उनकी जो भी चुनौतियां उनके सामने हो, और एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण के बाद समाज का निर्माण, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। उसके लिए हम समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर करते रहते हैं। हमारा अभी 25 तारीख तक हमारे पार्लियामेंट्री के समाप्त हो जाएंगे और 5 मार्च तक हमारे सभी मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग पूरे प्रदेश भर में समाप्त कर दिए जाएंगे। हम जिला परिषद में भी, पंचायत समितियों में भी और पंचायतों में भी तथा नगर पंचायत और नगर परिषद में अपना डंका बजाने में कामयाब हुए। अभी 4 कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, उसमें सोलन भी एक चुनाव हमारा कॉरपोरेशन का है, तो हम चारों के चारों कॉरपोरेशन के चुनाव भी जीतेंगे और उसके बाद शिमला कॉरपोरेशन को भी जीतेंगे और 2022 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।